दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, 1100 रिलीजन हैं और 6,500 भाषाएं हैं। 1100 रिलीजन में सनातन धर्म के अलावा और किस रिलीजन में फीमेल गॉड की पूजा होती है? है कोई? सनातन धर्म के अलावा भारत पूरी दुनिया में 1099 रिलीजन और हैं, टोटल 1100 रिलीजन में केवल एक रिलीजन में फीमेल गॉडेस की पूजा होती है, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में। वो कहां होती है? भारत। दुनिया की 6,500 भाषाओं में केवल एक भाषा में आपको गृहिणी शब्द मिलेगा, बाकी किसी और भाषा में गृहिणी का समानार्थी शब्द नहीं मिलेगा। गृहिणी मतलब गृह, ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। ऐसा शब्द आपको दुनिया की किसी भाषा में नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें गुलामी के कारण भारत में आ गई, कुछ भाषाओं के कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी आ गई। अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होता है A to Z और इंग्लिश में टोटल 1 करोड़ शब्द हैं। हिंदी और संस्कृत में 52 अल्फाबेट होता है और टोटल 10 करोड़ शब्द हैं। संस्कृत में 108 अल्फाबेट है और संस्कृत में टोटल 40 करोड़ शब्द हैं। तो फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि हम मौसी को मौसी कहते हैं, चाची को चाची कहते हैं, दादी को दादी कहते हैं, मामी को मामी कहते हैं। हमारे पास हर रिश्ते के लिए एक शब्द है, चाचा को चाचा, मौसा को मौसा, मामा को मामा। दूसरी तरफ शब्दों की कमी है, टोटल 1 करोड़ शब्द हैं, उसी में काम चलाना है। तो मामी भी आंटी, चाची भी आंटी, मौसी भी आंटी। हमारी संस्कृति दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसकी 50% महिलाओं की संख्या है और पूरी दुनिया में नारी तू नारायणी, नारी तू देवी है, नारी तू नारायणी है। ये महिलाओं के प्रति भाव केवल हमारे अंदर है, पूरी दुनिया में नहीं। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। दुनिया की 50% जनसंख्या के लिए कि जहां उस जन उसकी पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, ये केवल हम कहते हैं, बाकी दुनिया कोई नहीं कहता। अगर 800 करोड़ जनसंख्या है दुनिया की तो 400 करोड़ महिलाएं हैं, 400 करोड़ बेटियां हैं, 400 करोड़ बहने हैं, बेटियां बहने 400 करोड़ हो गई। ये 400 करोड़ पूजा के लायक है, ये पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन में कहीं नहीं है, केवल हमारे यहां, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। नारी तू नारायणी, नर तू नारायण हमने शब्द वेद में नहीं है, नारी तू नारायणी है। इसलिए कहते हैं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है, सबसे प्राचीन संस्कृति नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे सर्वोत्तम संस्कृति है। हां, गुलामी के समय में बहुत सारी कुरीतियां आई, बहुत सारी कुप्रथाएं आ गई। एक बहुत बड़ा झूठ अभी तक चलता रहा, सर्वधर्म संभाव। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी हुआ है।
मैंने कहा कि जब धर्म एक ही है तो सर्वधर्म कहां से हो गया? धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। जब धर्म एक है तो सरकारी कागजों में यह क्यों पूछा जाता है कि तुम्हारा धर्म कौन सा है? आप स्कूल में एडमिशन में पूछते हैं आपका धर्म क्या है? अरे भैया धर्म तो एक ही है, जो चीज एक है जिसका विकल्प नहीं उसको पूछा क्यों जा रहा है? राशन कार्ड का फॉर्म भरिए, आधार का फॉर्म भरिए, पासपोर्ट का फॉर्म भरिए, नौकरी का फॉर्म भरिए, कोई सा फॉर्म भरिए, पूछते हैं आपका धर्म क्या है? अरे जब धर्म एक ही है तो क्यों पूछ रहे? हां रिलीजन अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, तो पंथ पूछो तो बात समझ में आती है। अंग्रेजी में आप रिलीजन पूछ रहे बात ठीक है, हिंदी में मराठी गुजराती में पंथ पूछो संप्रदाय पूछो बात समझ में आती है, लेकिन आप पूछ रहे धर्म कौन सा है? अरे धर्म तो एक ही है और धर्म की अलग अलग परिभाषा है। मनुस्मृति में बहुत साफ साफ एक श्लोक है धर्म क्या है लिखा हुआ है, 10 गुण होते हैं धर्म के, महर्षि पतंजलि ने दिया है धर्म क्या है, बोले अष्टांग योग धर्म है, अष्टांग योग में 8 एलिमेंट है, क्या क्या है उसको पढ़ सकते हैं। जैसे सारे पेड़ एक समान नहीं होते, सारे फल एक समान नहीं होते, वैसे ही सारे रिलीजन भी एक समान नहीं होते। ये बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं, ये बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है सारे पंथ एक समान होते हैं। सारे पंथ एक समान होते तो पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन में कहा जाता नारी तू नारायणी, लेकिन 999 तो इसको मानते नहीं है, केवल एक ही मानता है, फिर सारे एक समान कैसे हो गए? आज बहुत विशेष दिन है, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, आज स्वामी जी की जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी की, और 2024 का आज मेरा दूसरा कार्यक्रम है। सुबह मेरा पहला कार्यक्रम रांची यूनिवर्सिटी में था, दूसरा कार्यक्रम आपके बीच में हो रहा है जमशेदपुर में, कल तीसरा कार्यक्रम IIT धनबाद में है, चौथा कार्यक्रम स्वामी जी कर रहे हैं, सीताराम जी बैठे हुए हैं बोकारो में, तो 2 दिन में 4 कार्यक्रम हो जाएगा। मैं रास्ते में फ्लाइट में सोच रहा था विषय कैसे सिलेक्शन करें, 2 दिन में 4 जगह बोलना है, तो मुझे अपना प्राचीन वैदिक मंत्र याद आया, एक बार आप भी जोर से बोलिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हो। मैंने तय ये किया कि धर्म की जय हो रांची में बोलेंगे, अधर्म का नाश हो जमशेदपुर में बोलेंगे, प्राणियों में सद्भावना हो धनबाद में बोलेंगे, और विश्व का कल्याण हो बोकारो में बोल देंगे।